आप देख रहे लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जाने के लिए बेताब हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए सभी प्रत्याशियों की तरफ से नॉमिनेशन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एनडीए के कैंडिडेट या फिर यूं कहें कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी आज सातवें दिन जाकर नॉमिनेशन किया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस बार इमामगंज विधानसभा सीट से नॉमिनेशन भरा है। मालूम हो कि यहीं से पिछली बार भी वो चुनाव जीत कर आए थे और इस बार भी यहीं से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। नॉमिनेशन करने के बाद जब जीतन राम मांझी बाहर निकले तो उनसे कई सारे सवाल पत्रकारों ने पूछे। सबसे पहले आप सुनिए मांझी क्या कह रहे हैं। 2015 में भी हम आए थे इमामगंज विधानसभा से चुने गए। यहाँ की जनता की मान्यता थी कि हमने एक दो दिन ही सिर्फ यहाँ काम किया हेलीकॉप्टर से और इन लोगों ने जिता करके सर्टिफिकेट भेज दिया मेरे घर। इस बार भी यही प्रतिज्ञा है हमारे सभी मतदाताओं का, इसलिए यहाँ पर इमामगंज चुनाव विधानसभा से आज हम नॉमिनेशन भरे हैं। इन लोगों की एक ही इच्छा रहती है कि हम शांति से रहें, कोई इधर उधर का झगड़ा नहीं हो, केस मुकदमा में न कोई फंसावे न कुछ फंसे। ये 5 साल इसी तरह से एकदम निर्विघ्न रहा। यहाँ का बच्चे बच्चे कहता है कि शांति स्थापना हुई है, इसलिए मांझी जी एक बार और रहे हैं। इसी कारण है कि यहाँ हमने आज फॉर्म भरा है इमामगंज चुनाव के लिए। उदय नारायण चौधरी भी आपके खिलाफ में चुनाव? हाँ क्यों नहीं, उनका कर्तव्य है। वो पहले भी 3 टर्म रह गए हैं यहाँ और 2015 में भी थे, इस बार भी फॉर्म भर रहे हैं। वो तो उनकी इच्छा है, स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी का यही सुंदरता है। तो जैसा कि आपने सुना इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पिछली दफा जब इमामगंज के लोगों ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें विधानसभा भेजा तो उसके बाद उन्होंने कई सारे काम इमामगंज में किए हैं, यहां पर शांति की स्थापना की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहां का बच्चा बच्चा चाहता है कि एक बार फिर से इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए। और आपको बता दें कि इस बार इमामगंज में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की राह आसान नहीं होने वाली है क्योंकि वहां पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वहां पर इस बार महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका नाम है उदय नारायण चौधरी, जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, उनसे उनकी कड़ी टक्कर होगी और इस बार इनकी तैयारी भी पूरी तरीके से है। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से यही कहा गया है कि मुकाबला कैसा भी हो, मुकाबला नेक टू नेक का हो या फिर हल्का हो, लेकिन उनकी जीत वहां से सुनिश्चित है क्योंकि वहां पर जनता के लिए बहुत सारा काम किया है और इसलिए जनता उसका आशीर्वाद उन्हें देगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें जीत का आशीर्वाद जनता की तरफ से जरूर मिलेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब 10 नवंबर को वहां पर रिजल्ट सामने आएंगे, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो उसके बाद देखना होगा कि इमामगंज की सीट किसके पाले में जाती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।